स्वागत है। दीपावली यानी अंधेरे को मिटा करके आपके जीवन में प्रकाश लाने वाला पर्व। दीपावली का इंतजार लोग साल भर करते हैं, महीने भर पहले ही घर की साफ सफाई भी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार की दीपावली खास होने वाली है और इसकी वजह है इस दिन बनने वाला महासंयोग, जिसकी वजह से दीपावली 5 की बजाय 6 दिन मनाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। इस बार महासंयोग में मनेगी दीपावली, 5 दिन की बजाय 6 दिन मनेगा दीपोत्सव। विशेष संयोग में चमकेंगे कई राशियों के सितारे। भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी की खुशी में हर साल मनाया जाने वाला दीपावली का त्योहार इस बार बेहद खास होने वाला है। इस बार इस त्योहार को 5 नहीं बल्कि 6 दिन मनाया जाएगा। ज्योतिष आचार्यों की माने तो करीब 400 साल बाद दीपावली और धनतेरस से ठीक पहले महायोग यानी कि कई योग एक साथ लगेंगे। सुख सौभाग्य के साथ अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले महापर्व दीपावली पर इस बार महासंयोग बन रहे हैं। तिथियों के बढ़ने के कारण पंच दीपोत्सव इस बार 6 दिन का होगा। 10 नवम्बर को धनतेरस से पंच दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और 15 नवंबर को भैया दूज के साथ इसका समापन होगा। 9 तारीख यानी कि धनतेरस के एक दिन पहले अष्ट महायोग का निर्माण होने जा रहा। यह योग काफी शुभ है। इसके साथ ही इन दोनों तारीखों को धनतेरस की खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जा रहा है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपावली का त्योहार आखिर क्यों 6 दिन तक मनाया जाएगा, आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। इस बार दीपावली पर विशेष योग। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक तिथियों के बढ़ने से ऐसा योग बना है जिसके तहत 10 नवंबर को दोपहर 12:36 पर त्रयोदशी शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी कि 11 नवंबर को 1:58 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी भी शुरू हो जाएगी। 11 नवंबर को 1:58 के बाद शुरू होने वाली चतुर्थी 12 नवंबर को दोपहर 2:45 तक रहेगी और फिर 2:45 के बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी, जो 13 नवंबर को दोपहर 2:57 तक रहेगी। 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या रहेगी या एक दिन पहले से शुरू होकर 13 नवंबर 2:57 तक रहेगी। इसके बाद शुरू होगी प्रतिपदा। अक्सर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार 14 नवंबर को प्रतिपदा का दोपहर 2:37 तक रहने की वजह से समय का अंतर 7:12 से ज्यादा होगा, जिसके वजह से अन्नकूट का त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसके बाद बहने भैया दूज का त्योहार 15 नवंबर को मनाएंगी। दीपावली का पर्व अभी चतुर्दशी रविवार दिनांक 12 नवम्बर 2023 को ही मनाया जाएगा और धन त्रयोदशी के दिन हस्त नक्षत्र हैं और उस हस्त नक्षत्र के दिन व्यापार, गृहारंभ, गृह प्रवेश, नूतन व्यापार, मशीनरी इत्यादि के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है और अन्नकूट जो महोत्सव है वो अब की बार अमावस्या का न होकर के प्रतिपदा होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि 9 मुहूर्त या उससे अधिक प्रतिपदा हो तो उसी दिन यह अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है और अन्नकूट का महोत्सव अभी 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ संयोग के दौरान बाजारों में खरीदारी भी अपने परवान पर होगी। 9 नवंबर को रंभा एकादशी सिद्धि योग में मनाई जाएगी। इस दिन से मां लक्ष्मी का आवाहन आरंभ हो जाएगा। ऐसे में चांदी के आभूषण, तांबे की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान उपकरण खरीदना शुभ माना जा रहा है। 10 नवंबर इस धनतेरस पर धन्वंतरी जयंती है। अबूझ मुहूर्त में सोना चांदी का सिक्का, लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति, बर्तन, झाड़ू, घरेलू सामान, दिया, वाहन, मिट्टी का। तो चलिए फिलहाल